चाहिए था। आई और क्या चुनौतियाँ हैं आपके सामने? देखिए अभी 19 कॉलेज तो खुल चुके हैं और अभी 19 कॉलेज और खुलने बाकी हैं, जिसमें से कि 10 कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मुझे लगता है कि जून जुलाई तक हम लोगों को मिल जाएगा, उसमें पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और हम लोगों ने सबसे पहले प्लेसमेंट पे जोर दिया, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख लेते हैं फिर उनके पढ़ाई लिखाई के बाद उनके जीवन यापन की सबसे बड़ी जो समस्या हो जाती है। हम लोगों ने प्लेसमेंट के लिए भी किया है, MIT मुजफ्फरपुर जो है उसका टाई अप है मुंबई IIT से, वैसे ही सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका किसी न किसी प्रतिष्ठित कॉलेजेस के साथ उनका ये टाई अप हो जाए ताकि उनके बच्चों को भी अच्छा अवसर मिल सके रोजगार का। इसी चीज़ पे हम लोग जोर दे रहे हैं और इसी चीज़ पे हम लोग फोकस दें। और जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं उनमें जो भी कमियां हैं लैब या फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लैब्स की कमियां हैं उन सबको हम लोग दूर करेंगे। और मैं पर्सनली पूरे बिहार भर के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज को मैं व्यक्तिगत जाकर उनको देखूंगा उसमें क्या कमियां हैं और किन कमियों को दूर करना है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है और ख़ास करके यहाँ के स्टूडेंट दूसरे राज्यों में जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, तो इसके लिए क्या करेंगे? निश्चित तौर पर ये सही बात है, यहाँ पे चूँकि प्लेसमेंट का सही यहाँ पे मौका नहीं मिल पा रहा था, बच्चे पढ़ते थे लेकिन उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही थी, अब हम लोग प्लेसमेंट पे जोड़ देंगे ताकि यहाँ पे कि अब एडमिशन में भी लोग मतलब पहले यहाँ तो एडमिशन के जितने सीट्स हैं वो फुल नहीं हो पा रहे हैं, इस मीटर मतलब हमारे एडमिशन का सीट्स फुल ही नहीं होगा, मतलब उसमें समझिए कि लंबी कतार लग जाएगी, वेटिंग फॉर्म में लोग रहने लग जाएंगे जब इतना हमारा अच्छा प्लेसमेंट शुरू हो जाए, तो हम लोग उस पर जोड़ देंगे। भागलपुर में IIIT बनने जा रहा है उस पर हम लोगों का जोर है। तो यहाँ के पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे कि बाहर जो बच्चों को भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो खुद ब खुद देखें, जब किसी कोई भी प्रतिष्ठान अच्छा होता है स्वाभाविक लोग उसी में जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहीं भेजना चाहते हैं। अगर हमारे कॉलेज अच्छा काम करेंगे वहाँ पर अच्छे पढ़ाई लिखाई का सब कुछ साधन उपलब्ध रहेगा तो कोई क्यों अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। और बहुत जल्दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार में अपना रोल अदा करके दिखाएगा। सर, जम्मू जिला से आपको बहुत उम्मीद है जनता को यहाँ से, तो यहाँ के लिए सर क्या कुछ विशेष सोचे हैं? जो कुछ भी जम्मू के लिए चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम, मैं कैबिनेट का सदस्य हूँ, बिहार सरकार का सदस्य हूँ, मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ, इसलिए जिस भी विभाग में अगर कोई काम होगा जमुई से संबंधित, जैसे अभी हमने नरियाना पुल, मांगो बंदर पुल, इन दोनों पुल का कल ही हमने ये बात किया जो उसका मामला है, उन सबसे हम लोग कल जो पथ निर्माण मंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई, पुल निर्माण के से हमारी बात हुई, तो सब पदाधिकारियों से बात हुई, तो हम लोग ये लगातार हम लोग चिंतित रहते हैं जमुई के पूरे विकास को लेकर। कल हमारी मुलाकात हुई थी जयंत राज जी से, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, जितने हमारे इलाके के सड़क से लेकर पुल पुलिया से जो संबंधित मामले हैं उनको हमने गिनाया, नीरज बबलू जी से बात हुई, हमारे बड़े भाई हैं, वन क्षेत्र में जितना हमारा यहाँ मतलब काम किया जा सकता है उस क्षेत्र में बात हुई, अभी चकाई में एक पार्क बना है जो बिहार झारखंड का सबसे बड़ा पार्क है, उस पार्क को लेकर हमने उनसे चर्चा की है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत शीघ्र वो वहाँ का मतलब वहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है, कल लोजपा छोड़ के बहुत सारे लोग जदयू में शामिल होने जा रहे हैं और आपको यहाँ से मंत्री बना, आप यहाँ से प्रतिनिधि थे, अब मंत्री हैं नीतीश जी के सरकार में और सांसद भी यहाँ के चिराग पासवान जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? चिराग जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लोजपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोजपा मतलब मैं समझा नहीं, लोजपा क्या? कल लोजपा के बहुत सारे शामिल होने वाले हैं। लोजपा क्या? लोक जनशक्ति पार्टी। वो तो रामविलास जी के साथ चली गई, वो पार्टी नहीं है। तो जमुई के सांसद है, उसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लोक जनशक्ति कोई पार्टी ही नहीं है, उसको हम लोग पार्टी में कहाँ आप लोग बोल रहे हैं, अब आप लोग झूठे उसका नाम ले रहे हैं, मतलब भुला जाइए ना वो सब चीज़ को, अब तो खत्म कहानी हो गया, रामविलास जी खत्म तो लोजपा खत्म। चिराग पासवान ने कहा भी है कि जम्मू के विकास में जो राजनीतिक विद्वेष की वजह से जम्मू का विकास नहीं हो पा रहा है, कुछ कहना चाहें? आज तक पत्र लिखने के अलावा तो कोई काम किए नहीं है, तो यही सब कहेंगे। जम्मू जिले में विकास का पहला बड़ा काम क्या होगा जो आपकी प्राथमिकता में? देखिए, यहाँ पे एक तो इको पार्क जो हम लोग का खुला है माधोपुर, उसको और ज़्यादा सुसज्जित करना, उसका दायरा बढ़ाना, प्लस यहाँ पे बरनार जलाशय डैम है उस डैम के लिए हम लोग चिंतित हैं, और भी जो यहाँ की मांगे होंगी जो मुख्य तौर पे जैसे सिंचाई से संबंधित, हमारा इलाका मुख्य तौर पे उग्रवाद नक्सलवाद से संबंधित है, यहाँ हमारा और यहाँ सुखाड़, ये तीनों चीज़ों से
तो हम लोग यहाँ पे पहले पटवन की व्यवस्था करें, सिंचाई की व्यवस्था करें, अच्छे सड़कों का व्यवस्था करें और उग्रवाद पे लगाम लगे उसकी हम लोग चिंता करें। में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं लचवाड़ को लेकर के, अभी नागी नगरी एक पक्षी महोत्सव हुआ, भीम बांध है पास में, उन सब लोगों की कुछ संभावनाएं हैं क्या? बिल्कुल, पर्यटन के असीम संभावनाएं हैं। ये बात हमारी मन ने बताया ना, कल हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से बात हुई थी तो उनसे हम लोग इसी बिंदु पे बात कर रहे थे कि यहाँ वन एवं पर्यावरण को डेवलप करने के साथ साथ पर्यटन को भी हम लोग यहाँ पे बढ़ावा दें। और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू में है, उसके अलावा और कुछ प्लान चल रही है क्या जम्मू के लिए? अभी तो बस शुरुआत है, अभी विभाग में नए हैं, मौका दीजिए, निश्चित तौर पर हम कुछ नया करेंगे। जदयू में जो गुटबाजी उसको खत्म करने के लिए क्या उपाय हुआ? कौन सी गुटबाजी मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। और ये बरना जलाशय पे आपका क्या थी रहेगा, आपका क्षेत्र से जो है सिंचाई का समस्या काफी है? बरनाल जलाशय के बारे में हमने अभी बोला था, अभी हमने बताया आपको, बरनाल जलाशय योजना में तकरीबन 1200 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें से कि 750 जमीन हमारे समय जब मैं विधायक था 2010 से लेकर 2015 तक, उस वक्त तक में उस जमीन का बदलाव वन विभाग से हो चुका था। रेस्ट जो जमीन बची है 462 या 463 हेक्टेयर, वो जमीन अब बदलाव करना है, उसके बाद उसका फिर हम लोग एस्टिमेट बना।